أشهد أن لا إله إلا الله. चलो जल्दी करो, देर हो रही है, शहर की हालत ठीक नहीं है. أشهد أن محمد رسول الله. शहर की हालत ठीक नहीं है, हमें जल्द घर पहुंचना चाहिए. ला एक प्याला मुझे भी दो. सलाम अलैकुम मरवान. अलैकुम अस्सलाम मेरे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत तो है? लो अमीर भी आ गए. अमीर, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ. मैं कूफे से आया हूँ, मैं एक अहम खबर देना चाहता हूँ. हट जाओ आगे से, आने दो से. चलो आ जाओ, आगे आओ. बताओ क्या बात है, कहना क्या चाहते हो? कहा कूफे से आ रहे हो? क्या खबर है कूफे की, बताते क्यों नहीं? अभी बताता हूँ. ला हुक्मा इल्ला लिल्ला वला नाबुदु इल्ला इय्या. कहना क्या चाहते हो? अभी बताता हूँ. लो अमीर पर हमला हो गया है. रोमी तबीब कहाँ है? जाओ उसे जल्दी ले आओ. अंदर कैसे आ गया? निगेवान कहाँ है? यहाँ के निगेवान कहाँ चले गए? आओ तुम सब मेरे साथ आओ, जल्दी आओ.
अमीर आप लेट जाइए, आग लाओ आग। क्या जख्म ज्यादा गहरा है? मामूली सी खराश है। फिर आतश किस लिए? एहतियात के तौर पर। मेरा बदन दागदार नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं होगा। चलो शुक्र है, वरना हर दाग की जगह तुम्हारे जिस्म पर जख्म लगाऊंगा। वाह! तुम्हें किसने खबर दे दी? घबराओ नहीं, मैं भी जिंदा हूं, अभी मरा नहीं हूं। तबीब का कहना है कि जख्म गहरा नहीं है। क्यों? जी हाँ ऐसी है। बेटा यजीद भी नींद से उठ के आ गया देखने के लिए कि क्या हो गया है। क्या हो गया है? कोई खास बात नहीं, तुम खुश रहो। क्या किया उसके साथ? वो जिंदान में है, उसकी खातिर की जा रही है। क्या कहा, उसकी खातिर करोगे? वारे मेरे चचा साहब, मेरे कातिल की खातिरदारी करने का हुक्म दिया है, अब उसे इनाम देना ना भूलना मेरे चचा साहब। जरूर खवारिज से होगा, उसे किसने भेजा होगा? अभी नहीं पूछा। अभी नहीं पूछा? किस चीज का इंतजार है? मेरी मौत का? अमीर की सलामती। मेरी सलामती तुम्हारे लिए कोई अहमियत रखती है? मेरी जान लेने की साजिश हुई है और जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुम लोगों के कान में तेल डाले हुए मेरे आगे पीछे तवाफ करते फिर रहे हो। ले आओ उसे यहाँ। ख्याल रखिएगा अमीर। तुमने तो कहा खराश है, उठा लो मेरे सर से अपना हाथ। अमीर मैं खूनरेजी को रोकना चाहता हूँ। ठहर जाओ। नहीं ठहर जाओ, रुक जाओ, वापस हो जाओ। बाहर, सब बाहर जाओ, बाहर। हम आपके लिए परेशान हैं अमीर। तुम भी जाओ, अपने प्यारे बेटे का हाथ पकड़ो और चली जाओ। जाओ और तमाम महल वालों को बता दो कि मावियत इब्न अबी सुफियान जिंदा सही और सालिम है, और जब तक तुम सब लोगों को सिपुर्द खाक न कर दे किसी के लिए जगह छोड़ने वाला नहीं। जाओ। बस बहुत हुआ, सब बाहर, चलो बाहर जाओ। बोस जाओ, तुम भी जाओ, हालात पर कड़ी नजर रखो, सड़कों पर सिपाहियों की और महल के मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दो। जैसे अमीर का हुक्म। ए, तुम कहा? तुम्हें नहीं कहा था मेरे चचा साद, तुम मेरे सरदार हो ना, मुझे तो तुम ही पर भरोसा है। तुम जहाक और मुगैरा मेरे वफादार साथी और मेरी जान के मुहाफिज, तुम्हारे बगैर न मैं अमीर, न हाकिम शाम और न अरबों का खलीफा। निकल जाओ तुम लोग। निगहबानों की क्या जरूरत जब तुम जैसे मेरी जान और माल और हुकूमत के मुहाफिज हो? अगर आज तुम लोग नहीं होते तो नामुराद अपने आप को मुझ तक पहुंचा देता है और मुझ पर काली जर्ब भी लगा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि तुम लोग जैसे लायक और वफादार साथी जो मेरे हमराह थे, मेरी जान के मुहाफिज। जख्म जबान न लगाए अमीर, आपने खुद कहा था। क्या कहा था? यही कि उसको आगे आने दिया जाए। हमने तो उसे रोक दिया था। उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की?
तलाशी क्यों नहीं ली? उसके इरादे से बाखबर होने के बाद खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। क्या आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? और क्या, तुम तीनों पर। तुम पर नालायकी का इल्जाम इसलिए कि तुम शहर में ऐसे खतरनाक आदमी के वजूद से बेखबर थे। तुम पर बेवकूफी का इसलिए कि जिस तरह होना चाहिए था मेरी जान की हिफाजत न कर सके। और तुम मेरे चचाजाद, अब तक दो खुलफाओं पर जानी हमले हो गए और उन दोनों हमलों में तुम मौजूद थे। पहली बार जब उस्मान का कत्ल हुआ और दूसरी मर्तबा आज जब खुद मुझ पर हमला हुआ। खबरदार करता हूं मैं तुम्हें, अगर फिर कभी जहां कहीं भी किसी खलीफा, अमीर और बादशाह पर हमला हुआ और तुम वहां मौजूद रहे तो समझ लो कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल अपने अजदाद की तरह एक खुराफाती शक्ल में जिंदा बचा हूं। मैंने अपनी बात अच्छी तरह कह दिया और वाजे कर दूं? नहीं, वाजे है अमीर। जैसे भी हो मैं उस शख्स को जबान खोलने पर मजबूर करूंगा ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। रहने दो, खताकार अच्छी तरह वाजे है। मैं जानता हूं कि किसने उसे मेरे कत्ल के लिए मामूर किया है। मालूम है? अच्छी तरह। कौन है वो? वही जिसने उस्मान को कत्ल किया। लेकिन यह भी मालूम कहां? बकवास करते हो। सबको मालूम है कि उस्मान को अली ने कत्ल किया। क्या हम लोगों ने उस्मान के लिबास को नोक नेजे पर बुलंद नहीं किया? क्या उम्मुल मोमिनीन ने उसके खूनखाही के लिए खुरूज नहीं किया? वह मोहम्मदा की फरियाद क्या आसमान तक बुलंद नहीं हुई? क्या ये सब झूठ था? हम झूठ कह रहे थे? अब जाओ, तमाम बुजुर्गान कौम को, सरदारों को और शुरफा को दरबार आम में इकट्ठा करो। कहो माविया मजरू और जख्मी हालत में उनसे कुछ कहना चाहता है। हो सकता है कि खंजर जहरालूद रहा हो और मुमकिन है कि माविया हालत इंतजार में हो। आज सुबह जो हादसा मस्जिद दमिश्क में पेश आया, आप सभी लोग उससे बाखबर हैं। खुदा से बेखबर एक लालची काफिर ने जहरालूद खंजर से हमारे अमीर पर हमला किया और उनको शिद्दत से जख्मी कर दिया। खुशकिस्मती से एक रोमी तबीब ने उस जहर की शनाख्त की और उसकी काट करके अमीर की जान को निजात दी। लेकिन जख्म जरा गहरा है और ज्यादा खून बह जाने की वजह से अमीर पर काफी जाफतारी हो गया है और नतीजे में उनको जरा आराम की जरूरत है। हमला किसने किया? अमीर पर हमला किया। ऐसी जुर्रत किसने की? उसका हसब नसब क्या है? किस कबीले से किया? किस कबीले से? ठीक है, हंगामा मत। किसने अमीर पे हमला किया? हमला हमारी कैद में है, वक्त आने पर सब मालूम हो जाएगा। Thank you.
जानते हो। क्या नहीं जानते? आखो तुम्हारे सरों पर। क्या जानना चाहते हो? ये जानना चाहते हो कि वो कौन है जो हम सबका दुश्मन है? जानना चाहते हो वो कौन है जो दुश्मनों को इस बात पर मामूर करता है कि हम सबको खाने खुदा में हलाक करे? चाहते हो कि मैं तुम्हें उसका नाम बताऊं? सुनोगे तुम लोग कि कातिल ने किस चीज का एतराफ किया है? क्या तुम लोग सचमुच नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानते। तुम लोग अनजान बन रहे हो या नादानी का इजहार कर रहे हो? शायद हिम्मत नहीं रखते। हो सकता है कि खौफ जदा हो कि अगर उसका नाम जबान पर लाओ तो वही आफत तुम पर भी आ जाएगी जो मुझ पर और उस्मान इब्ने अफान पर आ पड़ी। क्यों, ऐसा नहीं है? क्या हकीकत में मेरी हुकूमत के सरदार और शुरफा बुजदिल और डरपूक लोग हैं? मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ उस्मान की मौत से किस शख्स ने फायदा उठाया? मुझे जवाब दो। और वो कौन है जो मेरी मौत से नफा उठाना चाह रहा है? खामोश क्यों हो गए? नहीं जानते? बुजुर्गो, सर्वतमंद दमिश्क को शाम के शरीफ साधो, ये जान लो कि मैं तुम्हारी बलाओं की ढाल हूं और मुझे जख्मी करने का मतलब तुम्हें आसानी से तबाह करना है। और ये अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हें मेरे सिवा कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारे दरमियान अगर न रह जाऊं तो अली एक एक करके तुम्हें चुन डालेंगे। तुमसे ये मेरी आखिरी वसीयत है और तुम्हारी बका के लिए वाहिद शर्त है। अली से होशियार रहो और अपने ताल्लुकात को मुझसे मजबूत कर लो। जाओ, इस गुफ्तगू का किसी से तस्किरा न करना। अगर कोई पूछे कि माविया जिंदा है तो जवाब न देना, और अगर सवाल करे कि मर गया तो सुकूत इख्तियार कर लेना। बस सिर्फ अली का नाम लो और उन्हीं को जिम्मेदार ठहराना। बस अब जाओ और अपने सारे उमूर की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। जाओ। दरवाजा खोलो। इताअत। दरवाजा खोलो। चलिए हुजूर। जिंदाबाद। आपकी खिदमत में हाजिर हूं जनाब। दरवाजा खोलो। इताअत। तशरीफ लाओ। तुम भी आओ। सीढ़ी नीचे करो।
जंजीरों में जकड़े हुए कैदी इस जगह पर रखे गए हैं। दरवाजा खोलो, चलिए। हमें पहचानते हो? हाँ, मैं तुम दोनों को पहचानता हूँ। बल्कि जिसने भी जंगे सिफीन में शिरकत की है, वो मरवान और जहाक जैसे शैतानों को कैसे नहीं पहचानेंगे। तुम शहर में कब दाखिल हुए? कल सुबह। और कौन था तुम्हारे साथ? मैं अकेला हूँ। किसकी तरफ से मामूर किए गए हो? अली? अली? नहरवान में हमारे भाइयों को अली ने मारा है। तो खवारिज से हो तुम, तो अली के दुश्मन हो, फिर कैसे अमीरुल मोमिनीन की जान के दुश्मन हो गए? अमीरुल मोमिनीन? किसने उसे हमारा अमीर बनाया है? हकमेन ने। सिर्फ खुदा का हुक्म काबिले कबूल है, हाकिम सिर्फ खुदा है। जिसने हकमियत को कबूल किया वह सजाए मौत का हकदार है। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, वरना मैं इस जैसे काफिर को मारने के लिए कभी नहीं आता। तुम अमीर के कुफर के बारे में मुतमईन हो? हाँ, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। और अली के बारे में? अली भी मौत के मुस्तहक हैं। तुम कोई ऐसी बात जानते हो जो हमसे छुपाना चाहते हो? सुना नहीं, सरदार ने तुमसे क्या पूछा है, उसका जवाब दो। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। क्यों नहीं, बात तो जरूर है, जल्दी ही तुम्हारी जबान खुल जाएगी। बिला वजह की जहमत ना करो, मेरी मौत का हुक्म सादिर करो। तुम्हारे ये कोड़े और गुर्ज और ये मारपीट मेरी जबान नहीं खुलवा सकते। किसने कोड़े और गुर्ज की बात की? मैंने? तुम आखिरत पर एतकाद रखते हो? इतना कि जितना तुम नहीं रखते। जन्नत और जहन्नम कुछ समझ में आता है? इन चीजों पे हमें तुमसे ज्यादा यकीन है। तुम सही कहते हो, लेकिन हम यकीन नहीं रखते। और चूंकि हम उस पर यकीन नहीं रखते हैं, तो पूरी कोशिश हमारी ये है कि हम इसी दुनिया में अपनी जन्नत बना लें। उसको निकाल लो। ए, तुम और तुम आओ मेरे साथ। इसको जरा हमारी जन्नत दिखा दो। Thank you.
तुम्हारा कहना था कि हमारे कोड़े और गुर्ज तुम्हारी जबान नहीं खुलवा सकते, अब क्या कहते हो? क्या ख्याल है, हमारी जन्नत में कुछ दिन मेहमान रहना चाहोगे? मैं सब बता दूंगा बता दूंगा। हाँ मैं बताता हूँ, मैं सब बता दूंगा। तुम यकीन करते हो? उसका कहना है कि उसके पास एक खास खबर है जो सिर्फ वो अमीर को बताना चाहता है। झूठ बोलता है। मैं इस बात से मुतमईन हूँ कि कोई अहम खबर नहीं रखता, वो सिर्फ वक्त बर्बाद करना चाहता है। वो ऐसा डरा हुआ था कि उसका सारा जिस्म लरज रहा था। उसको अच्छी तरह मालूम है कि अगर नहीं बताएगा तो उसका क्या अंजाम होगा। ज्यादा मुतमईन न हो जाओ, खवारिज अपने धोखेबाजियों से जिंदा हैं। हर आन अपना चेहरा बदलते रहते हैं। न उनके कौल का भरोसा है, न उनके डर और खौफ का एतमाद, और ना ही उनके ईमान का कोई एतबार। यहाँ तक कि उनकी बेवफाई पर भी इत्मीनान नहीं किया जा सकता। बता कौन सी खबर है तेरे पास? ये बात मैं अकेले में बताना चाहता हूं। अकेले में बताएगा? अगर तुझे अकेले में कहना होता तो सबके सामने मुझ पर हमला ना करता। अमीर इन सबको यहां से जाने का हुक्म दें। मेरे पास इतनी अहम खबर है कि आप सुनने के बाद मेरे दामन को सिक्कों से भर देंगे। बकवास न कर, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर यहां से बाहर कदम रखूं तो फौरन जन्नत वापस भेज दिया जाएगा। अगर मैं सबके सामने बयान कर दूं तो अमीर आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। खबर इस कदर मुहिम है कि उसके बारे में सोचने और समझने की जरूरत है। खुराफात बक रहा है अमीर। मुझे खबर सुनाने की मोहलत दे। बता। मेरे और करीब आइए ताकि मैं आपके कान में कह सकूं। नहीं अमीर, नहीं। बचे अमीर, उसके दांत खंजर से भी तेज हैं। अपना खंजर मुझे दो। हटो, पीछे हो जाओ। चल बता। हम तीन लोग थे जिन्होंने काबे की दीवार के पास कसम खाई थी कि तुम्हें अमर याज और अली इब्ने अबी तालिब को कत्ल करेंगे। उन तीनों में से मैं शाम की तरफ आ गया, उमर इब्ने बकर मिस्र चला गया और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने कूफे का रुख कर लिया।
सिर्फ आप ही अमीर अल-मोमिनीन हैं, अमीर अल-मोमिनीन। अमीर मुझे भूलिएगा नहीं, ये अहम खबर मैंने आप तक पहुंचाई है। क्या कहा अली? अली और अमरे आस झूठ बोलता है। अमीर अपना कासिद भेज के देखिए, जल्द ही आपको सारी खबर मालूम हो जाएगी। अगर अली का कत्ल हो गया है तो तुम अमीर अल-मोमिनीन हो। मैं अमीर अल-मोमिनीन? अमीर मुझे भूलिएगा नहीं। मैं तुझे नहीं भूलूंगा, उसकी खातिर तवाजो करो और जो कुछ चाहता है उसके हवाले करो। अगर झूठ हो तो तेरी खैर नहीं। आओ मेरे साथ मरवान, जहाक वगैरह। मलून, अमीर के कान में क्या पढ़ के फूंक दिया है तूने? मैंने अमीर से कहा कि अगर तुम्हारा मकाम मुझे दे दे तो मैं उनके लिए जन्नत और जहन्नम को एक कर दूंगा। तू ख्वाब में भी नहीं देखेगा। मिस्र और कूफे को खासिद रवाना करो। किन के लिए अमीर? किसी के लिए भी नहीं। पैगाम क्या होगा? बगैर पैगाम के। काहे के लिए? कुछ नहीं, बस जानना चाहता हूं कि मिस्र और कूफे में क्या हो रहा है, बस। सुनो, मिस्र लाजिम नहीं है, सिर्फ कूफा, सिर्फ कूफा। अपना ख्याल रखो, शहर की हालत ठीक नहीं है, जल्दी वापस आ जाना। इसे लो और मुआविया तक पहुंचा दो और कूफे के हालात बता दो और कहना कि एक इशारे के मुंतजर है। किसी से नहीं मिलेंगे। हमें भी नहीं? हाँ, अमीर ने हुक्म दिया है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। ठीक है।
ना जाने उस मलून ने अमीर के कान में क्या पढ़कर फूंक दिया, उस वक्त से अमीर की यह हालत हो गई है। सुना है कूफे की तरफ कासिद भेजा है। भेजा तो है लेकिन बगैर किसी पैगाम के, उसको सिर्फ कूफे जाने के लिए कहा। चलो उसके पास चलते हैं, वो जानता है, उसकी जबान से उगलवाना चाहिए। हमको ऐसा इख्तियार नहीं है बानो। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। इधर आओ नीचे। तुम क्यों मेरी ताकुब में पड़ी हो? मेरा पीछा नहीं छोड़ती। जब भी नजर उठाता हूं तो तुम्हें किसी न किसी सुतून के आड़ में देखता हूं। बताओ क्यों इतनी परेशान हो? मेरी परेशानी तो सिर्फ अमीर की सलामती के लिए। अमीर जख्मी है, उसे आराम की जरूरत है। खाना पीना सब छोड़ रखा है और फकत टहलते रहते हैं और परेशान है। किस चीज के मुंतजिर हो तुम? किस चीज की मुंतजिर हो? मुंतजिर हूँ कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो और अमीर को सुकून मिले। मुतमईन हो? जी अमीर। शायद तुम मुंतजिर हो कि मैं बेजान हो जाऊं और मेरी सांस की रफ्त आमद बंद हो जाए और खंजर जहर आलूद रहा हो। जहर किसी वक्त भी अपना काम तमाम कर सकता है और तुम यजीद के बहाने हुकूमत को खुद उचक लेना चाहती हो। अमीर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने भी तुम पर कड़ी नजर रखी है और जानता हूँ कि तुमने यजीद को किस तरह काबू में कर रखा है। जिस तरह मुद्दतों से मुझ पर कब्जा कर रखा है और तुम्हारे दिमाग में क्या चीज जन्म ले रही है। मुझे यजीद से मोहब्बत है, मैं उसकी दाया हूँ। अपनी आगोश में उसे परवान चढ़ाया है, वो मुझसे माँ की तरह मोहब्बत करता है। क्या मेरी मोहब्बत ने अमीर को परेशान कर रखा है? नहीं, तुम इसी मोहब्बत के सहारे मेरे महल पर मुसल्लत हो गई और अब मेरी हुकूमत की लालच में पड़ी हो। बेइंसाफी कर रहे हो अमीर। सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हारी जाह-तलबी को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। बेहतर है कि समझ लो कि मुआविया इब्ने अबी सुफियान इतना सादा लो नहीं है जो हुकूमत की बाग दौड़ तुम्हारे हाथों में देते। बहुत जल्द ऐसा काम करूंगा कि यजीद मेरे अलावा किसी को अहमियत न देगा, यहां तक कि तुम्हें भी। अब यजीद को अपने हाल पर रहने दो और मेरी हुकूमत की लालच छोड़ दो। मुझे धोखा देने की कोशिश न करो। अम्र इब्ने हुरैस की जानिब से एक कासिद कूफा से आया है। मुझे और मेरी बादशाही को अपने हाल पे छोड़ दो। अमीर, कूफे से कासिद आया है, अमीर इब्ने हुरैस की जानिब से पैगाम लेकर आया है। जानना चाहते थे ना मैं किस चीज का मुंतजिर था? आओ, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आओ। Thank you.
कहाँ आए? बिल्कुल सच, अली ने जरबत खाई है और अब बिस्तर मर्ग पे है। अब मेरी तमन्नाओं के पूरे होने का वक्त आ चुका है। अली मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं खिलाफत की तरफ। इब्ने हुरैस ने लिखा है कि कल सुबह होने तक या कबल उसके के आफ्ताब निकले अमीर अल-मोमिनीन मैं हूंगा। मैं अमीर अल-मोमिनीन। हे अमीर अल-मोमिनीन, मुझे यहां ना छोड़िए। मैं तुझे छोड़ रहा हूं मेरे दोस्त, बस आज सब्र कर ले। अभी शाम नहीं हुई है लेकिन तमाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी।